Hi. Cadet Naina Singh. Sir. तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? वो सर, I'm really sorry, पर मुझे आपसे कुछ काम था. I'll be back in a minute. Excuse me, sir. I'll see you in the morning, doctor. कैंप के चक्कर में अपुन नैना को फोटो के बारे में भी नहीं बता पाया. ये कौन है? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? नींद नहीं आ रही थी इसलिए जानवरों को मिलने आ गया. तुझे क्या लगा डॉक्टर शालिनी होगी इस जाड़े में डिनर का अरेंजमेंट कर रहे? अच्छा भला सो रहा था मैं, फालतू में उठा दिया, ऊपर से ब्लैंकेट तक खींच लिया. तेरा ब्लैंकेट ले लिया ना, अपन का सारा दारू का बॉटल खाली कर दी. किसने? डॉक्टर रितु ने. हाँ, सारा दारू का बॉटल लकड़ी पर डाल के उसको आग लगा दी. सही में यार, क्या दी ये मेंटरशिप के नाम पे मुकेम्बो ने ना अपनी रेड लगा दी है. नो नेवर. आई डोंट एग्री. फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है जैसे कि तू मर्द बन गया. वेल ब्रो, कुछ ऐसा ही समझ लो. टाका भिड़ाया वो भी एक युवा वाली के साथ में, सर पे उल्टा लटका देगी तेरे को. आई रियली डोंट माइंड चीफ, आई रियली डोंट माइंड. मिस सिमरन जो जो कहेगी ये यूडी वो करेगा. इनफैक्ट आज रात तो मैंने सोच लिया कि आज रात क्या, मैं मिस सिमरन को सब कुछ सच सच बता दूंगा. कि तेरा अकाउंट अभी तक नहीं खुला है? अब चलें, नहीं तो हम एंटर अपनी लेनी कर देंगे. तूने डॉक्टर रितु को देखा क्या? हाँ, वो वहाँ पे कैप्टन राजवीर के साथ. अच्छा, अब उनको तो टेंशन हो गया कि कहीं रितु मैम. अच्छा तू भी क्या कैप्टन को ढूंढने आई है? हाँ बस उधर. अब उनको तेरे को कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलने का है. अब उनको तेरे भाई के फोटोज के बारे में पता लग गया है. एकेडमी के पुराने कैडेट्स के फोटोज कहाँ हैं और किसके पास? सो गुड ना, क्या प्रॉब्लम? तो सुन भी रही है अपुन क्या बोला अभी? हाँ कि तुझे नवीन भैया की फोटोग्राफ. क्या बात कर रहा है? तुझे भैया की पिक्चर्स के बारे में पता चल गया? अलग किसके पास है? वो मुच्छड़ नायर है ना, उसको फोटो खींचने का बहुत शौक है. पूजा जब उसके रूम का सफाई कर रही थी तब उसको कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले कैडेट्स के. हो सकता है उनमें से एक फोटोग्राफ ऐसी हो जिसकी अपुन को तलाश है. रोहित, रोहित. रोहित नहीं, रोहित का बाप. पर सर ये लाइट कैसी थी फिर? मेजर भार्गव के ऑर्डर्स हैं कि इस कैंप के हर मोमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, कैमरे में कैद किया जाए. सो कैडेट अगले 7 मिनट में रेडी होके टेंट के बाहर रिपोर्ट करो. पर सर अभी तो 3 बज रहे हैं रात के. सुबह के कैडेट, कम ऑन क्विक. कैडेट गाइस,
40 minutes jogging session. इस वक्त सर. ताकि अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढा जाता है इस बात के लिए आपकी आंखें अकस्टम्ड हो जाएं. Ready? On the double. वैसे हमारी आपसी बॉन्डिंग और ट्रस्ट के बेसिस पे मुझे नहीं लगता मेजर भार्गव हमें कल अपने डेंजरस एक्सरसाइज के लिए चुनेंगे. लेकिन फिर भी मैं चांस नहीं लेना चाहता. कैडेट भाई, तुम्हें फिट होना है. जिंदगी और मौत के बीच में जब भी कोई आदमी फंसता है तो उसका फिट होना ही उसके काम आता है. Come on, move! बस बहुत हो गया. समझ ना गया तू खुद को. इतनी दगा गई तेरी. ये क्या कर रही है? कुछ नहीं सर. Now move. Yes sir. डालेक, क्या मैं सिर्फ ये सोच रही हूं या वाकई तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अबुन सोचता था कि जेल में दो किस्म के लोग रात को जगता था. एक जिसको फांसी का सजा सुनाया है और दूसरा वो जिसको जेल से खिसकने का प्लान बनाने का. तो फिर शायद यहाँ तुम्हें यहाँ से खिसकने का प्लान बनाना है और मुझे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. यू नो करे, इंसान का दिमाग कई बार कहीं ना कहीं किसी सोच में कैद हो चुका है हमेशा. इनफैक्ट इंसान की सोचने की शक्ति ही बहुत बार उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है. इसीलिए अपन बोलते हैं जास्ती सोचने का नहीं, सीधा कर डालने का. एक बात बताओ करें, तुम नैना से प्यार करते हो? नहीं, वो अपन की एक ही दोस्त है, असली दोस्त. See, that's your best quality. सीरियसली, सबसे अच्छी क्वालिटी है तुम्हारी. तुम अपने आप के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही क्लियर हो. इसलिए मेजर भार्गव ने भी नैना के ट्रायल के समय तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा था. Because he was sure that you're very clear. You know, कदर, अगर हम कल के टेस्ट में चुने जाएंगे, I'm very sure कि तुम उसे भी अपने बेस्ट एबिलिटी से पूरा करो.
चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कैंपिंग टूट के रहूंगा है? कोई गल है यार है? मतलब मैस का अरेंजमेंट करें सूरी जी इन मोरोज बेहोश कैडेट्स को संभाले सूरी जी ब्रिगेडियर का ख्याल रखे सूरी जी है और किसी ने ये नहीं पूछा कि सूरी जी और ये कैंपिंग का क्या प्रोग्राम है तब कल तो ये हुई ना कि गोली खाए सूरी जी और मजे ले सारे लोग अरे हो ही नहीं सकता यार हो ही नहीं सकता मैं भी देखता हूँ कि सूरी जी जो है ना बाई गॉड की कसम कैसे कैंपिंग में मजे लेते हैं मैं भी ढूंढ के दिखाऊंगा यहाँ पर कोई लाइट सी रोशनी सी टिमटिमाती हुई दिख रही है मुझे लगता है कि बुरोज जो है ना यही मजे ले रहे हैं ओए मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास देखता हूँ सूरी के बगैर तुम कैसे मजे लेते हो और वो भी एक अफसर के ऊपर इस तरह से सूरी जी शट अप उसको कुछ कहने से पहले आप मुझे ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैं तो ललिता जी दरअसल एक्चुअली ऐसे ही इनफैक्ट यू नो सॉरी जी किसको मिलने चल दी इतनी रात को अभी जंगल में इतने बजे आपसी ट्रस्ट में थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं जी और नहीं तो क्या अगर कल के डेंजरस एक्सरसाइज में हम चुने गए तो अच्छा मुच्छर मुझे रोमिंग में भेजकर खुद स्लीप मोड पे चला गया तू कौन है सर आप ही ने कहा था ना कि हर मोमेंट को कैप्चर करना है तो मैंने आपकी फोटो खींच ली और इसमें आपकी सोने की आवाज रिकॉर्ड कर ली
सर आप यहाँ? नैना तुम सोई नहीं? बस सर आँख खुल गई और सर वो कंबल तो मैंने आपके लिए दिया था फिर आप वो मुझ पर। कैडेट सिंह मैं एक सर्टिफाइड फौजी हूँ और तुम अभी फौजी बने नहीं हो। सर एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो ना। सर वो आप और नवीन भैया हमेशा से बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे फिर भैया ने कभी आपको उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया? नैना मैं और नवीन कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे। हम दोनों कलीग्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, राइवल्स भी। हर कॉम्पिटिशन में, हर एक्सरसाइज में, हर ड्रिल में, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को एडमायर भी करते थे और रिस्पेक्ट। लेकिन नवीन हमेशा मुझसे आगे ही रहा और शायद प्यार के मामले में भी। इसीलिए जब नवीन की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आई तो उसने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब कि आपको गर्लफ्रेंड बाद में मिली? सर मेरी जिंदगी में तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं आई है। लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन वो डॉक्टर मिश्रा को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हो गया। तो कमाल की बात तो ये कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम कि मुझे प्यार हो गया और किससे। लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि वो कितनी बेवकूफ लड़की होगी जिसे मुझ जैसे कॉम्प्लिकेटेड इंसान के साथ प्यार हो जाएगा। क्यों सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि वो लड़की तो बहुत लकी होगी। नैना बहुत देर होगी, तुम जाकर सो जाओ। फिलहाल तो हमें देखना है कि हम कल लकी साबित होते हैं या नहीं, क्योंकि मेजर भार्गव की उस डेंजरस एक्सरसाइज के लिए मैं और तुम भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सर मेजर भार्गव जरूर हमें ही फंसाएंगे, बट सर लेट मी टेल यू मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि आप हो ना मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.